क्रिकेटर रविंद्र जडेजा एक बार फिर चर्चा में हैं। पिछले कुछ वक्त से वो क्रिकेट की वजह से कम और राजनीति की वजह से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल रविंद्र जडेजा का नई नवेली विधायक बनी अपनी पत्नी की तारीफ करना विरोधियों को रास नहीं आ रहा। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा गुजरात के जामनगर उत्तर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी है। जडेजा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें पत्रकार रिबाबा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। रिबाबा इस सवाल का अच्छे से जवाब देती हैं। तुम्हें आरएसएस विषय शू जानो छे? सॉरी मने कदाच एवं लागे तो पण तुम्हें आरएसएस विषय काय काय थॉट के पूछो के न पूछो पण छता भारतीय जनता पार्टी नो उद्गम स्थान એટલે કે राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्वनी सौथी मोटी स्वयं संचालित संस्था એટલે કે राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीयता राष्ट्रप्रेम राष्ट्रधर्म संगठन एकता त्याग बलिदान એનો સરવાળો કરો એટલે राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ નું નિર્માણ થાય। रविंद्र जडेजा ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, आरएसएस के बारे में तुम्हारे ज्ञान को देखकर बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा संगठन जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए दिन रात काम करता है। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी मेहनत ही है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। कीप इट अप। इसके बाद कांग्रेसी नेताओं सहित कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रविंद्र जडेजा को ट्रोल कर दिया। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि आजकल अभिनेता हों या खिलाड़ी छापे के डर से सरकार की तारीफ करने लग जाते हैं। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर की केवल इतनी गलती रही कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी रिबाबा को सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया सोशल मीडिया पर, उनकी बातों को शेयर किया, उनकी हौसला अफजाई की और सत्य बताया आरएसएस के बारे में कि आरएसएस वो संगठन है जो भारत के समाज के मूल्यों का प्रतिबिंब है और जो भारत की संस्कृति के लिए निरंतर प्रयास और काम करता रहता है, भारत के समाज के लिए निरंतर प्रयास और काम करता रहता है। बस इतनी सी बात कहने पर पूरा का पूरा लुटियंस कांग्रेस सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल इकोसिस्टम उन पर मानो टूट पड़ा है। हेटफुल कमेंट से भरा हुआ है उनका सोशल मीडिया, गालियां दी जा रही है। राशिद अलवी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो आकर कहते हैं कि इस प्रकार की बातें रविंद्र जडेजा को नहीं कहनी चाहिए। भाई यही लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, और यदि कोई सत्य बता दे, क्या ये सत्य नहीं है कि आरएसएस निरंतर समाज के लिए राष्ट्र के लिए काम करता है? जब भी कोई कठिनाई होती है तो आरएसएस काम करता है। आरएसएस की प्रशंसा तो स्वयं प्रणब मुखर्जी जी ने की थी उनके हेडक्वार्टर जाकर। वही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जडेजा को आड़े हाथों लिया। रविंद्र जडेजा ने इसके बाद ट्विटर पर अपनी एक और तस्वीर शेयर की जिसके कैप्शन में लिखा इंडियन टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।